देखिए चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओहो, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। चार पाँच छह पंजे तीस, दिमाग तो हवाई जहाज ही तेरे नाना। रॉकेट, हाँ हाँ रॉकेट। रॉकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले, मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर, निर्मल भारत अभियान, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। चार पाँच छह पंजे तीस, दिमाग तो हवाई जहाज ही तेरे नाना। रॉकेट, हाँ हाँ रॉकेट। रॉकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले, मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर, निर्मल भारत अभियान, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। दादाजी मैं जीत के ही आऊँगी। तो नहीं बेटे। दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है एमडी, आज चला मसाले का कमाल। Mr. Happy Kumar is so happy with his job, he can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you happy? उनके बच्चे फिर पेंसिल तोड़ी तो टांग तोड़ दूंगा। टॉफी टू? हाँ, और ये तुम्हारे दोस्तों के लिए। टॉफी टू में है कॉफी और क्रीम की दोस्ती। राहुल ने मुझे नहीं पेंसिल ली। प्रिया गोल्ड टॉफी टू। ओ, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। नमस्कार, वंदे मातरम में आपका स्वागत है, मैं हूं मुकेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। वंदे मातरम में आज हम बात करेंगे एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ताजा आदेश के बाद आए भूचाल की। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की बात कही है। इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल ने इस आदेश के दायरे में बिल्डर्स को भी लाया है। कैसे लाया है इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पुरानी गाड़ियों के परिचालन से होने वाली दिक्कतों पर, परिचालन के रोक की जरूरत पर और इससे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर की। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे। आइए आपको परिचय करा देते हैं उनका। आपको बता दें कि प्रेम बग्गा, जो कि ऑटोमोबाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे इस चर्चा में। और साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फर हुसैन गजाली भी हमारे साथ ओबी पर मौजूद होंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। साथ ही हरीश श्रीवास्तव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। और देहरादून से डॉक्टर अनिल जोशी, जो कि पर्यावरणविद हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इन सभी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ और मेहमान हैं जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट।
दमघोटू वातावरण से क्यों ना मिले पूरी राहत। पुराने वाहनों से हवा और ध्वनि प्रदूषण भी। विदेशों में डीजल गाड़ियों पर पाबंदी। भारत में उसके आयात पर ही क्यों ना लगे रोक। जड़ मिटेगी तो नहीं पैदा होगा मुसीबत का पौधा। शराब की फैक्ट्रियों, तंबाकू उत्पाद, गुटखा की फैक्ट्री पर देश की सरकार चुप क्यों? उनको लाइसेंस क्यों देती है सरकार? प्रदूषण से बीमारियों के उपचार पर आमदनी से ज्यादा खर्च। विरोधी दे रहे रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने की दलील। आखिर ये कौन सा अर्थशास्त्र है? दिल्ली एनसीआर में अब डीजल की 10 साल पुरानी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी कोई गाड़ी नहीं चलेगी। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने ये फैसला वर्धमान कौशिक की याचिका पर दिया, जिससे राजधानी दिल्ली में हवा की बिगड़ी सेहत कुछ हद तक सुधर सके। दरअसल डीजल की गाड़ियां पेट्रोल के मुकाबले 7 गुना ज्यादा हानिकारक हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके की हवा में बेतहाशा बढ़े प्रदूषण से लोगों को, सबसे ज्यादा बच्चों को गंभीर बीमारियों का खतरा है। डीजल दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण है। डीजल में सल्फर का ऊंचा स्तर जीवित प्राणियों के लिए बेहद नुकसानदेह है। इसके हानिकारक ऑक्साइड से पैदा एसिड कई गंभीर रोगों का कारण बन सकती है। इससे फेफड़ों और दिमाग को नुकसान पहुंचता है, कैंसर भी हो सकता है। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि डॉक्टर भी दिल्ली एनसीआर छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। वहीं ट्रक ऑपरेटर इसके विरोध में हैं, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने की दलीलें दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर गहरी चिंता जताई है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने दूसरे देशों का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि ब्राजील, चीन, डेनमार्क जैसे कई देशों ने या तो डीजल की गाड़ियां बंद कर दी हैं या इसकी प्रक्रिया में हैं। वहां इन पर भारी टैक्स लगता है। अपने देश में भी कुछ सख्त उपाय करने होंगे, जिससे हर सांस के साथ बीमारी के करीब जाती जनता को बचाया जा सके। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के यातायात विभाग को 10 साल या इससे ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों की पहचान करने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर प्रदूषण स्तर जांचने और गाड़ियों के वजन, मैन्युफैक्चरिंग डेट का पता लगाने के लिए भी कहा है। अब सरकार और सभी एजेंसियों को ये काम करना है। एनजीटी ने फैसले के दायरे में बिल्डर्स को भी रखा है, जिन्हें हर एक 6 महीने पर वायु प्रदूषण का प्रमाण पत्र लेना होगा और इसके बिना वो कोई भी प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अब ये नियम बना रहा है कि हवा में धूल कण कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय नियम बनाकर मंत्रालय की वेबसाइट पर डालेगा, लोगों से सुझाव मांगेगा। मंत्रालय की कोशिश 2 महीने के भीतर इस योजना को लागू करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने कि डीजल की गाड़ियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं, जिसको लेकर हमने ये रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से कितनी खतरनाक हैं डीजल की गाड़ियां और कितनी दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रेम बग्गा जी आपसे सवाल एक लेना चाहती हूं कि अगर टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो क्या टेक्नोलॉजी के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है कि अगर जिस तरीके से अगर टेक्नोलॉजी के जरिए अगर निकाला जा सकता तो शायद दूसरे देश जो है बैन नहीं करते। क्या आपको लगता है, क्या ये मान लिया जाए कि टेक्नोलॉजी के जरिए रास्ता जो निकाला जाना चाहिए बैन करने का वो पॉसिबल नहीं है? देखिए, टेक्नोलॉजी अगर रास्ते निकलते आ रहे हैं, पहले स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे करके उनमें पोल्यूशन कम किया जाता है ताकि उसमें पोल्यूशन ना हो, डीजल की गाड़ियां में, पेट्रोल की गाड़ियां में भी। पर डीजल की गाड़ियों में पोल्यूशन ज्यादा है बिकॉज उसमें प्योरीफाइड पेट्रोल जो है डीजल से ज्यादा प्योरीफाइड है, इसलिए वो पेट्रोल की गाड़ी कम पोल्यूशन करती है एज कंपेयर टू डीजल। जी, तो जो जितनी टेक्नोलॉजी स्टेज से बढ़ाए जा रहे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में आप देख रहे हैं कि और भी जो बाकी कंट्रीज हैं, यूरोप एंड यूएसए एटसेट्रा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे इंप्रूव करते जा रहे हैं अपने टेक्नोलॉजी और उसी से उनको फायदा होगा। बट एक चीज बहुत जरूरी है
जैसे अभी आप बता रहे हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है, बट उसकी भी एक लिमिट है। अभी तक जहां तक पहुंचे हैं उसके हिसाब से जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड, ब्राजील, चाइना, नीदरलैंड्स, जर्मनी, ये जितने कंट्रीज हैं, फ्रांस, एवरीबॉडी इज ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं कि उनका पोल्यूशन कम हो जाए और वो जल्दी से जल्दी उनको बकर साहब। लेकिन एक एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी उतनी सस्ती नहीं है। आप अगर तुलना करें तो जो एक फैमिली कार, जिसको कहते हैं मारुति कहते हैं, हुंडई कहते हैं, जो उनकी जो फैमिली कार है, छोटे सेगमेंट की कार है, उस कार को लें, और अगर आप बड़े सेगमेंट की आप मर्सिडीज को लें, ऑडी को लें, बीएमडब्ल्यू को लें, तो इन सब कारों की अगर तुलना करें तो पर्यावरण की दृष्टि से ये कार तो है थोड़ा कम पॉल्यूशन वो करते हैं, पॉल्यूट करते हैं हवा को। लेकिन सवाल यहाँ पर छोटे कार के सेगमेंट की है, जो कि जिनकी संख्या ज़्यादा है सड़कों पर, जो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर ये टेक्नोलॉजी आ भी गई तो क्या ये फिजिबल होगा कि जो सारे लोग इस टेक्नोलॉजी के कार को अफोर्ड कर सके? जी देखिए, टेक्नोलॉजी तो हर कंपनी, मारुति सुजुकी, अदर कंपनी, स्मॉल कार्स, एवरीबॉडी इज कन्वर्टिंग इन टू डीजल। तो जो ला रहे हैं तो उनमें टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हैं, बट उसमें कौन कितना सक्सेसफुल है, किस स्टेज पे पहुंचे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोला मर्सिडीज, मर्सिडीज बहुत आगे पहुंच चुके हैं, उनका हो सकता है स्टेज 5, 6, 7 तक आ जाए, तो उसमें वो कम हो जाएगी, दैट इज ऑल। स्टेज 1, 2 की बात की जाए तो किस लेवल की गाड़ियां उसमें आती हैं? स्टेज 1 एंड 2 जैसे स्टेज वाइज आपने बात की, तो स्टेज वाइज किस तरह की कार जो है, स्टेज 1, स्टेज 2 इस तरीके से डिवाइड? यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 5, अभी यूरो 3, 4, 5 चलती जा रही है, और जितनी जल्दी वो चलती रहेगी उतना ही वो इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। बट यहाँ इंडिया में तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो ऑलरेडी बैन कर दिया। एक सवाल भगत यहाँ पे ये और उठता है यहाँ पे कि डीजल पे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, डीजल से ज्यादा नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, और डीजल सस्ता है पेट्रोल की तुलना में, अगर कहें तो डीजल सस्ता मिलता है, और सस्ता इसलिए डीजल को किया गया था क्योंकि इसका इस्तेमाल किसान करते हैं, इसका इस्तेमाल ट्रकों में होता है और व्यापार के लिए होता है, इसलिए इसको कम किया गया था। लेकिन जो आम यूज की गाड़ियां हैं, जो महंगी गाड़ियां होती है, उसमें अगर जो निजी यूज की गाड़ियां हैं, अगर इस पर बैन कर दे सरकार कि आप निजी यूज की गाड़ियां डीजल सेगमेंट में नहीं बना सकते, तो क्या आपको लगता है कि इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कुछ कमी आएगी, अगर हम डीजल कार बनाए ही नहीं महंगी? क्योंकि जितने भी आप अगर ये देखें फैमिली सेगमेंट की जितनी भी कारें हैं, ज्यादातर वो पेट्रोल वर्जन की है, वो कम पोल्यूशन फैलाती है, लेकिन जो डीजल वर्जन की गाड़ियां हैं महंगी, हालांकि जो फ्यूल है वो गरीब किसानों के लिए था, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, जो सबसे गरीब सबसे अमीर सेगमेंट है समाज का। देखिए जो क्रूड आता है उसको जब वो प्योरीफाई करते हैं, उसमें से एक एक करके उसमें इम्प्योरिटी निकालते जाते हैं, इम्प्योरिटी निकालते हैं, मिट्टी का तेल लाइक दैट, डीजल, और उससे प्योर करते करते पेट्रोल आता है, जितना वो प्योरीफाई करेंगे उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसीलिए पेट्रोल की कॉस्ट ज्यादा है और डीजल की सस्ती। डीजल क्योंकि इट इज एज फॉर एज पेट्रोल डीजल इंजन से, डीजल के इस्तेमाल से यदि प्रदूषण ज्यादा होता है तो हम इसका इस्तेमाल सड़क पर चलने वाले निजी वाहन में अगर नहीं करें, अगर कंपनी पे सरकार अगर ये बैन कर दे जो भाई कंपनी डीजल सेगमेंट की कार नहीं बनाएगी निजी इस्तेमाल के लिए, आप ट्रक बनाओ, आप जनरेटर बनाओ, आप किसान के ट्रैक्टर बनाओ, लेकिन आप निजी सेगमेंट के जो आप कार बनाते हो, मर्सिडीज बनाते हो, ऑडी बनाते हो, होंडा सिटी बनाते हो, इस सेगमेंट की कार आप मैन्युफैक्चर पे ही अगर रोक लगा दे सकते कि आप नहीं बना सकते आप, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है, तो ये कैसा रहेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए आई डिफर हियर, द पॉइंट इज कि जो 15 साल 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उस वक्त टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चेंज हो गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर स्टेज में आ चुकी है, उनकी माइलेज ऑल्सो हैज गॉन अप, प्योरिटी इज ऑल्सो गॉन, और पोल्यूशन कम होता है। नहीं, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की प्योरिटी बढ़ गई है, उसकी क्षमता भी बढ़ गई, लेकिन जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है डीजल से उसमें कोई कमी नहीं है, 7 गुना ज्यादा नुकसान, अभी आप रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा, 7 गुना ज्यादा नुकसान कर रही है डीजल की गाड़ियां।
उस पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? क्या सरकार कहीं ना कहीं मजबूर है, जो मैन्युफैक्चरर है उनकी जो लॉबी है उसके सामने बोलने के लिए सरकार मजबूर है, सरकार उनको दबाव नहीं डाल पा रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी लॉबी इतनी मजबूत है कि सरकार वहां पर लाचार दिख रही है? जी, मैं फिर वही पॉइंट कहना चाहूंगा। जी, पेट्रोल में भी गैसेस निकलती हैं, डीजल में भी गैसेस निकलती हैं। बिल्कुल, किसी में ज्यादा। बग्गा साहब, आपको हम रोकेंगे, हम ले चलते हैं आपको सीधा देहरादून ले चलते हैं, वहां से पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जोशी जी हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं, काफी काम किया है इन्होंने पर्यावरण पे। जोशी जी, आपसे हमारा पहला सवाल है, अभी हम बग्गा साहब से, जो कि बग्गा लिंक के MD हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और ये ऑटोमोबाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। इनका कहना ये थोड़ा अनकंफर्ट महसूस कर रहे थे जवाब देने में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से डीजल गाड़ियां नुकसान कर रही है पर्यावरण का, क्या आपको लगता नहीं कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो डीजल निजी इस्तेमाल की डीजल की गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां जो सड़कों पे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, उनके मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पे उनको रोक लगाना चाहिए? अनिल जोशी जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है जोशी जी से हम बात करेंगे बाद में। अभी हरीश श्रीवास्तव के पास चलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरीश जी, आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर सरकार जवाब दे कि बैन लगाने की दिशा में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियों को बैन लगाने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरीके से इसे फेज आउट करेगी, इसके लिए निर्देश मांगा है, क्या जवाब है आपको? क्या आपको लगता है कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को सड़कों से हटा देने से पॉल्यूशन का जो मामला है, जो समस्या है, वो खत्म हो जाएगी? पर्यावरण एक बड़ा सवाल है, और जिस तरह से पर्यावरण का संतुलन बढ़ रहा आप देख रहे हैं कि पर्यावरण असंतुलन के कारण मौसम में आप देखिए कि कितना परिवर्तन आया, कि गर्मी के दिनों में, हार्वेस्टिंग के दिनों में बरसात हुई, होने पड़े, और हजारों लाखों और करोड़ की फसलें बर्बाद हो गई, किसान तबाह हो गया, और इस तरह से जो प्रदूषण को लेकर के जो बीमारी है इसका एक पक्ष है, जो जैसे जो बहुत से डेंसिटी के शहर हैं जहाँ जो नेशनल कैंसर होने के नाते जहाँ देश भर में लोग आते हैं, और वहाँ इन गाड़ियों के कारण प्रदूषण का बढ़ना तो बहुत स्वाभाविक है, और जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है उसका जो सरकार का पक्ष है कि भाई एकदम से 6 महीने का मौका मिलना चाहिए, वो भी बात ठीक है, कि क्योंकि एकदम से अगर आप 2 हफ्ते में इसको हटाने की बात कहेंगे तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा है कि दो सप्ताह में आप जवाब दें कि कैसे हटाएंगे इसको, 6 महीने के अंदर आप गाड़ियों को सड़क से हटा लें। बिल्कुल। एक चीज और हरीश जी, एक सवाल और उठता है कि जो सवाल हम यहाँ कह रहे हैं कि डीजल गाड़ियों से परेशानी ज्यादा है, डीजल गाड़ियों से पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो क्या जो अभी सवाल हम पर्यावरणविद से भी पूछ रहे थे, हमारा सवाल उन तक भी पहुंच चुका है, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार मैन्युफैक्चरर पे दबाव डाल सकती है कि वो निजी इस्तेमाल की डीजल गाड़ियां नहीं बनाए? देखिए मुकेश जी, ये जो सवाल आपने किया, ये तो पहले तो इस पे विशेषज्ञों से बात होनी चाहिए कि ये जो प्रदूषण जो फैल रहा है जिन गाड़ियों से, ये गाड़ियों का जो कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन गाड़ियों का रख रखाव खराब है वो भी प्रदूषण ज्यादा फैला रही है, तो नहीं ये तो बात है। दो चीजें हैं हरीश जी, यहाँ दो चीजें हैं कि गाड़ियां ना बनाई जाए मैन्युफैक्चरर से। बिल्कुल हरीश जी, यहाँ दो चीजें हैं, एक तो पॉल्यूशन हो रहा है डीजल की गाड़ियों से, दूसरा डीजल सस्ता इसलिए है क्योंकि उसका इस्तेमाल किसान करते हैं, सरकार जो उस पर सब्सिडी दे रही है वो इसलिए दे रही है ताकि उसका इस्तेमाल जो है वो किसान कर रहे हैं, किसान को सस्ता मिले, लेकिन वो डीजल इस्तेमाल कौन कर रहा है? जो आपके समाज का सबसे अमीर आदमी, जो सबसे अमीर तबका है, डीजल की गाड़ियां किन के पास है? जो सबसे अमीर तबका है। तो आपके जो आपका जो सब्सिडी देने का जो आपका जो पर्पस है वो पर्पस कहीं फुलफिल नहीं हो रहा। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि अगर जब तक गाड़ियां बनती रहेंगी तब तक डीजल इस्तेमाल होता रहेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो कार में डीजल आप जो आएगा भरवाने के लिए उनसे ज्यादा पैसा लें और जो ट्रैक्टर में आएगा उससे कम पैसा लें। अगर ऐसा भी कर सकते हैं तो यह भी अच्छी बात है, इसकी भी पहल होनी चाहिए। मैं इस पे जवाब मांग रहा हूं।
मुकेश जी देखिए, डीजल का इस्तेमाल तो गांव गरीब किसान के किसान भी कर रहा है और जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और जहां तक ये कि उसका जो बड़ी गाड़ियों पे या जो इनके इस्तेमाल पे ज्यादा उसका प्राइस लिया जाए या जो, ये एक अलग का विषय है और एक को तकनीकी विशेषज्ञों को बैठ नहीं, पैसा लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ हम पर्यावरण पे बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं। अगर अगर प्रदूषण ज्यादा हो रहा है तो उस पर रोक लगाने का एक रास्ता तो हो सकता है और सरकार तो कर सकती है। मैं बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल अनिल जोशी जी सख्ती से अमल होना चाहिए, बिल्कुल हमारे साथ संतुलन जिस तरह से बढ़ रहा है बिल्कुल पूरी मानवता के लिए बहुत खतरनाक से दो जी। हरीश जी, हरीश जी, अनिल जोशी जी हमारे साथ मौजूद है जो कि पर्यावरणविद है, आइए उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये सवाल उठ रहा है कि जो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, डीजल की जो गाड़ियां हैं वो जब सड़क पर दौड़ती हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण जो है काफी हद तक हो रहा है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, पर्यावरण के लिहाज से आप इसे सही मानते हैं, क्या उन पर बैन लगना चाहिए? निश्चित रूप से अभी हमारे समझ में एक बात बड़े साफ रूप में आ जानी चाहिए कि हमने जो भी विकास के मापदंड तैयार किए उसका लाभ मुट्ठी भर लोगों ने किया, लेकिन उस मुट्ठी भर लाभ के पीछे जो लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है वो वायु प्रदूषण के रूप में पहली रूप में है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो निर्णय एनजीटी ने एनसीआर के लिए लिया है, मुझे लगता है ये सारे देश में होना चाहिए, क्योंकि प्राणवायु हवा ये तो नहीं है कि वो वहां से देहरादून नहीं आएगी या देहरादून की हवा दिल्ली नहीं पहुंचेगी, ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि हम फिर भी बहुत देर कर रहे हैं, हमें किसी भी रूप में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में दिल्ली और दिल्ली से जुड़े हुए तमाम जो छोटी जगह है और बड़े जितने मेट्रो सिटीज हैं इनका एयर पोल्यूशन लेवल खतरे की सीमा से आगे जा चुका। अब हम दुनिया में वहां खड़े हैं, हम प्रगति के लेके चाइना से बड़ा कंपेयर कर रहे हैं कि यहां जीडीपी चाइना की हम इतने में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम कैसे भूल जाएं कि संघाई में जो पॉल्यूशन लेवल है उससे भी ज्यादा पॉल्यूशन लेवल दिल्ली का, दिल्ली में बिल्कुल, वहां हमारी सरकारें चिंता नहीं दिखाई देती। और एक एक बड़ा विषय यह भी है कि आखिर विकास का मापदंड क्या होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सड़कों पे गाड़ियां, बड़ी बिल्डिंगें, हम कैसे भूल जाएं कि जीवन के बड़े तत्व हवा मिट्टी पानी जंगल है। हमारा विकास का कोई मापदंड नहीं है कि इस वर्ष हमने कितनी हवा ठीक की, कितना पानी बढ़ाया, कितनी मिट्टी ठीक की। जी, आज प्राणवायु की बात कर रहे हैं, मिट्टी का सवाल जी अनिल जी, इसी बीच में एक सवाल प्रेम बग्गा जी से पूछना चाहती हूँ। प्रेम बग्गा जी, क्या आपको लगता है कि आप ये मानते हैं कि गाड़ियों पर जो बैन लगना चाहिए वो उनके फिटनेस के आधार पर लगना चाहिए ना कि अवधि के आधार पर, इस पर कितना सहमत हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर उसकी हम एनुअली फिटनेस करवाते हैं, उसकी इंस्पेक्शन कराते हैं एंड उनको फिटनेस हो जाती है तो गाड़ियों में पोल्यूशन बहुत कम होगा। जी क्यों, एक और नई चीज, दो 10 साल से पहले जो नई जितनी गाड़ियां आ रही हैं उनके पोल्यूशन लेवल बहुत कम है एज कंपेयर टू 10 साल पुरानी से। अगर ये इनको साथ के साथ एवरी ईयर अगर उनको मेंटेन किया जाए तो पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो जाएगा। ये नहीं कि फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं, सब कुछ जगह चल रहा है, तो वी कांट से एक दो एकदम गमन कर दीजिए। स्लोली स्लोली जैसे बाकी लोग बाकी कंट्रीज कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्लोली स्लोली इसको भी कम कर दिया सकता है। बिल्कुल 10 साल 15 साल 20 साल में खत्म किया जाए। बिल्कुल सही कहा बग्गा साहब ने कि एक बार की सीधे आप किसी पे स्लैश नहीं कर सकते, किसी भी डिसीजन को सीधा इंपोज नहीं कर सकते। अनिल जी आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्या सरकार ने देर सही से ये फैसला ट्रिब्यूनल ने लिया है, क्या आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल ने जो कहा है, जो निर्देश दिए हैं उसका पालन तत्काल करना चाहिए, बाकी जो असुविधाएं हो रही है इस फैसले को लेकर, इस निर्देश को लेकर के, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्योंकि 125 करोड़ की आबादी वाला यह देश है, अगर यहां पर जहां पर केवल दिल्ली में ही 90 लाख वाहन जो है वो चल रहे हैं, यहां पर अगर एक दिन में आप चाहेंगे जी कि इन सारे वाहनों पर जो है रोक लगा दिया जाए, डीजल के वाहनों पर 10 साल से पुरानी जो है उन पर रोक लगा दिया जाए, क्या प्रैक्टिकली आपको लगता है यह संभव है? इसके लिए कोई फेज आउट का कोई प्लानिंग होना चाहिए, धीरे धीरे इसको, जैसा कि सरकार ने कहा 6 महीने का समय चाहिए, क्या आपको लगता है फेज आउट धीरे धीरे करना चाहिए? एक बार भी आपका तो नहीं, अभी बोल दिया ट्रिब्यूनल ने तो आज से ही इंप्लीमेंट करो इसे। देखिए एक तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये बात तो मैं स्वीकारता हूं
कि पिछले 25 सालों में जिस बात का होश हमें नहीं आया उसको अगर हम एक दिन में ठप करें यह संभव नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ा रास्ता यह है कि फेज वाइज 6 महीने का समय देते हुए इनको फेज आउट कर देना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमने ये शुरुआत नहीं की तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। ट्रिब्यूनल का एक रवैया जो बड़ा वैसा है, मैं स्वीकारता हूं कि एनजीटी ने बड़ा सही निर्णय लिया है, लेकिन एक जरूरी है कि व्यवहारिकता को देखते हुए इसका 6 महीने का समय दिया जा सकता है। 6 महीने में बहुत देर नहीं होगी, लेकिन फिर निर्णय से हम कहीं ना हटे, पूरा कंप्लायंस होना चाहिए और सख्ती से बिना किसी भी समझौते के इसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राणवायु हम हर क्षण लेते हैं, हर क्षण हमें प्राणवायु चाहिए और इसलिए उसमें समझौता नहीं किया जा सकता। जी अनिल जी, तो जाहिर सी बात है कि आप ये चाहते हैं कि इसे सख्ती से लागू कर देना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब जुड़ गए हैं स्टूडियो में। गजाली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम वंदे मातरम में। आम आदमी पार्टी के नेता हैं और गजाली साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर बैन लगाने की बात कही गई है, बैन की बात कही गई है, उस पर आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या, आपकी तरफ से क्या कहना उस पर? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये फैसला जनता के हक में है और अभी आपने देखा होगा एक ताजा सर्वे आया है जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे एक साल में केवल 4 दिन दिल्ली वाले शुद्ध हवा ले सके हैं, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर। तो इसको लागू तो होना चाहिए, लेकिन ये व्यवहारिक एक प्रश्न है कि इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आनन फानन में इसको लागू किया जाएगा तो इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी और ट्रांसपोर्ट हमारे पास कम है, उसकी वजह से और ज्यादा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल मुजफ्फर हुसैन साहब, एक सवाल आपसे बनता है, यहाँ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस ट्रिब्यूनल के फैसला जो आया था, ट्रिब्यूनल का जो निर्देश आया था, उसके बाद से दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं आपसे उनसे बात की थी, हरियाणा के भी पर्यावरण मंत्री से बात हुई थी और राजस्थान के भी पर्यावरण मंत्री से बात की थी उन्होंने, और उनसे बात करके कहा था कि आप लोग अपने सजेशंस दीजिए, उस सजेशंस को हम वेबसाइट पर डालेंगे और वेबसाइट पर डालने के बाद लोगों के भी सजेशंस मांगे जाएंगे और 2 महीने के भीतर जो है ये काम कर लिया जाएगा इस पर। तो क्या आपकी तरफ से या आपकी सरकार की तरफ से पर्यावरण मंत्रालय को कोई सुझाव दिया गया है अब तक? देखिए, उसके लिए हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे जो पर्यावरण के मामलों को देख रहे हैं मंत्री, वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं दिल्ली को लेकर के कि उसकी व्यवहारिकता क्या होगी और वो बहुत जल्दी सबमिट कर दी जाएगी। एक सवाल और बनता है पर्यावरण के बारे में, आप तो निश्चित तौर पे आप जैसा कह रहे हैं आप भी बहुत गंभीर हैं इसको लेकर के, और आपके मुख्यमंत्री खुद जो हमेशा खांसते हुए नजर आते थे, बाद में जब उन्होंने इलाज करवाया तो उसके पीछे भी प्रदूषण ही जो है मुख्य कारण के रूप में सामने आया था कि प्रदूषण के कारण जो है उनको ये खांसी नहीं ठीक हो रही थी। सवाल यह है कि जिस तरीके से ट्रिब्यूनल ने यह कहा है और जिस तरीके से आप लोग देरी कर रहे हैं, अभी तक बात करने के बाद से कोई सजेशन नहीं गया बाकी दूसरी सरकार, मैं केवल आपको केवल नहीं कह रहा क्योंकि पर्यावरण का अभी वेबसाइट में अभी देखते हुए आया हूं मंत्रालय का, किसी भी सरकार ने कोई सजेशन उस पर नहीं दिया है, मैं देख करके आया हूं और पब्लिक ने भी नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि जो अवेयरनेस होना चाहिए पब्लिक में वो भी नहीं है और सरकार को जितनी चिंता करनी चाहिए, जितनी चिंतित नजर आनी चाहिए, वो चीज भी कहीं नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि गंभीरता से नहीं ले रही। आपको लग रहा है जो अभी टाइम ले ले थोड़ा सा, फिर 6 महीने के बाद देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि एक बार की सब कुछ जानते हैं कि एक बार की ये फैसला नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इस पे डिपेंड है, उनका रोजी रोजगार इन पे डिपेंड है, तो एक बार की सरकार कोई फैसला नहीं कर सकती है, तो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और आप लोग मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और हमने ये भी कहा है कि हम इस देश को जिस तरह करप्शन से मुक्त बनाना चाहते हैं दिल्ली को, उसी तरह से पर्यावरण को लेकर हमारी मान्यता है कि हम दिल्ली वालों को स्वच्छ वातावरण भी देंगे, उसके लिए हम कमिटमेंट है हमारा और वचनबद्ध है दिल्ली वालों के साथ। बिल्कुल, हरीश जी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे हम बात करेंगे। हरीश जी, जिस तरीके से
आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम वचनबद्ध है जनता के प्रति और बहुत जल्द जो है इसका रास्ता निकालेंगे, आप भी सरकार में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, और ये जो 1993 में जो 1993 में जो हम लोगों ने साइन किया था सीबीडी, 192 कंट्रीज ने साइन किया था, जिसको साइन करने के बाद ट्रिब्यूनल बना रहा, उसके बाद से ये हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रति और जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है उसके प्रति जिम्मेदार होते हुए भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो कन्याकुमारी का हो, इसके प्रति गंभीर हो और इसके प्रति प्रदूषण को कम से कम करे, इसके प्रति जिम्मेदार हो। लेकिन सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से कोई पहल नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है कि कहीं सरकार भी, आपकी सरकार भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही है? बिल्कुल, पहला आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि हमने पर्यावरण मंत्रियों को पत्र लिखा है, सुझाव मांगा है और जनता से भी सुझाव मांगा है, तो एक एक गंभीर पहल है और लोगों के सुझाव आएंगे और सरकार उसको क्रियान्वित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। और पर्यावरण को लेकर के सबकी चिंता एक जैसी है, पर्यावरण सरकार और सामाजिक दोनों स्तर पर जिस पे गंभीर प्रयास होगा तभी पर्यावरण संतुलन को बनाया जा सकता है। हरीश जी आप ये अगर मान भी लिया जाए, कि सरकार गंभीर है, दोनों स्तर पर जब इससे लोग अवेयर होंगे और लोग सक्रिय होंगे तभी इसके परिणाम सामने दिखेंगे। बिल्कुल हरीश जी, आप इस बात को मान भी लिया जाए जो सरकार गंभीर है, प्रकाश जावड़ेकर सही में काफी सेंसिटिव मंत्री और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं अपने मंत्रालय में, लेकिन एक चीज है जो ये पहल जो है केवल पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से नहीं, ये एक समग्र प्रयास होना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ पॉल्यूशन को रोकने का ही नहीं बल्कि पॉल्यूशन को रोकने की दिशा में या उस रास्ते में जो फेज आउट का प्रोग्राम है, उस फेज आउट प्रोग्राम को प्लान करने की जरूरत है। उस प्लानिंग के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या उस पर कोई प्लानिंग हुई है जो इतना बड़ा सेक्शन, ये तो केवल हम दिल्ली की बात कर रहे हैं जो 90 लाख गाड़ियां करीब हैं यहां पे चल रही हैं, उससे करीब जो कहे जो करोड़ों लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी जीविका जुड़ी हुई है इससे। लेकिन अगर पूरे केवल दिल्ली में पॉल्यूशन की बात नहीं, अभी हम जोशी जी से बात कर रहे थे, डॉक्टर जोशी पर्यावरणविद हैं, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये लागू होता है और ये सही भी है। दिल्ली अगर पहले नंबर पे है तो पटना दूसरे नंबर पे है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं फेज आउट के प्रोग्राम को प्लान करने में हम लोग देरी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है फेज आउट का प्रोग्राम जल्द से जल्द तैयार होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत जल्दी से जल्दी इस पर काम होना चाहिए। और मेरा तो अपना मानना यह है कि देखिए जो हमारी मजबूरी है, अगर हम साफगोई की बात करें तो लोकतंत्र में जो विभिन्न दबाव समूह काम करते हैं, इन दबाव समूहों के कारण कई बार अच्छे से अच्छे जो नीतियां हैं और कार्यक्रम हैं वो लागू नहीं हो पाते। जी बिल्कुल, तो जो मशीनरी है जिसको इसको फेज वाइज इस प्रोग्राम को लागू करना है, उनको इन दबावों से अलग हट और पर्यावरण संतुलन के लिए ठोस और गतिशील कदम उठाने बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, ये कौन है, ये दबाव समूह कौन है, में भी प्रयास होना चाहिए। हरीश जी आपने जो इशारा किया है इसके लिए काम कर रहा है, वो उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। थैंक यू हरीश जी, लेकिन आपने जो यहाँ इशारा किया है कि कोई दबाव समूह भी है, जानना चाहेंगे कौन है वो लोग जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते। मेरा कहने का मतलब तो कोई किसी एक कोई पर्सनिफाइड वो दबाव समूह नहीं है। मैंने कहा कि लोकतंत्र में आप आए दिन पूरे देश की तमाम तरह की समस्याओं से रूबरू होते हैं, तो जो यहाँ एक तरह का लोकतंत्र में दबाव समूह, सैकड़ों तरह के दबाव समूह हैं, सबके अपने अपने। नहीं, एक सत्य हरीश जी, एक सत्य ये भी है कि आज हमारी सरकार में चाहे राज्य सरकारों में बहुत सारे ऐसे मंत्री और नेता और एमएलए हैं जिनका अपना ट्रांसपोर्ट चलता है और वो नहीं चाहते कि फेज आउट हो और उनकी जो गाड़ियां हैं पुरानी 10 साल या 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वो फेज आउट होकर के बाहर चली जाए, उन्हें नया इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो ये एक दबाव समूह सही में, जो आप सही शायद नहीं बोल पा रहे, लेकिन ये एक दबाव समूह जरूर काम कर रहा है। यहां पे हम अनिल जोशी जी के पास चलेंगे। अनिल जोशी जी, क्या आपको लगता है विकास के पैमाने में या व्यापार या आर्थिक दृष्टि से जो अपनी तरक्की चाहते हैं, वो जिस कीमत पे तरक्की चाह रहे हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वास्थ्य पे, अपने स्वास्थ्य पे, या जो वर्तमान में है उसके हालात पे, अगर उस कीमत पे यदि हम अपना विकास चाह रहे हैं तो वो कितना खतरनाक है? मुकेश जी, आपको रुकना चाहूंगी इस बीच में, एक सवाल लेना चाहती हूँ प्रेम बग्गा जी से। प्रेम बग्गा जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बैन की गई है गाड़ियां, क्या इन पे अतिरिक्त टैक्स लगाकर या फिर इनकी फिटनेस का, जो फिटनेस के लोगों को मोटिवेट करके, क्या
किया जा सकता है, इस पर बैन लगने से रोका जा सकता है, क्योंकि कुछ परिवारों की, कई परिवारों की आजीविका का साधन होते हैं ये पुराने वाहन। बिल्कुल ठीक, ये ऐसा भी है बिकॉज आपने कहा का कार्स पे ऐसा करने से 10 साल से पुरानी जितनी गाड़ियां हैं उनमें तो पोल्यूशन डेफिनेटली ज्यादा है, उनका बैन करना ग्रीन एनजीटी ने बिल्कुल ठीक किया। मगर जो दूसरी ये गाड़ी है उसमें बाकी जगह पर भी टैक्स बढ़ा दिया जाता है, बाकी कंट्रीज में भी जी जी, और जैसे जैसे उसकी फिटनेस होती रहती है, पुरानी होती रहती है उसकी, उसका ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ा दिया जाता है। लंदन में भी टैक्स बढ़ाया गया और इस रोक लगाने की बात, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि दिल्ली में पोल्यूशन सिर्फ ये कारों से नहीं है, पोल्यूशन जो है जो दिल्ली से बाहर के ट्रक्स आते हैं बाकी स्टेट से, लेकिन इसको दिल्ली से होकर निकलते हैं, अगर उस पर रोक लगाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि सरकारी नुकसान भी होगा। यहाँ पर देखिए कमर्शियल व्हीकल्स दिल्ली में जितनी हैं उन पर भी रोक है, जो सीएनजी से ऑटो रिक्शा चलते हैं जो 15 साल से पुराने हैं उनको भी काटा जा रहा है ताकि वो नए लें विद न्यू टेक्नोलॉजी सीएनजी से चलने के लिए। बट दिल्ली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप बाकी तो पोल्यूशन कम कर लेंगे, 15 साल पेट्रोल भी 10 साल डीजल भी, मगर सबसे प्रॉब्लम है जो बाहर से ट्रक्स आते हैं, गुड्स कैरियर्स आते हैं, उनको अंदर बाकी दिल्ली के ट्रक्स जो दिल्ली में भी आना चाहते हैं वो वहीं से निकल के बाहर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा। और बग्गा साहब मैं बता दूं कि इसके लिए एक सुझाव भी आया था, इसके लिए सुझाव ये आया था कि एक बाईपास बनाया जाए दिल्ली से, करेक्ट, जो दिल्ली को बाईपास करे, जो भी इस तरीके के वाहन है वो शहर में, जो शहर में प्रवेश ना करे वो एक बाईपास के जरिए निकल जाए, ताकि जो गुड्स करियर है वो सामान जो यहाँ पहुंचाना है, जो सब्जियां हैं, जरूरत के सामान है, दूध है, वो आपको मिलता भी रहे, और जो पॉल्यूशन का लेवल आपको दिल्ली का है, खासतौर पर दिल्ली इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आते रहते हैं। अभी जो ओबामा का, बराक ओबामा का जो विजिट हुआ था उसके बाद से ही मुझे लग रहा बग्गा साहब की ये जो चर्चा जो है, और उसके से ये पिटिशन भी उसी के बाद डाला गया था जिसके जवाब में ट्रिब्यूनल ने ये आदेश दिया है। और ये भी खबर आई थी कि जब बराक ओबामा साहब यहां पर आए थे तो 3 घंटे तक लगातार वो पहली बार खुले वातावरण में रहे थे, और वहां जो पॉल्यूशन हुआ था उस पॉल्यूशन के कारण 6 घंटे उनकी आयु कम हो गई, इस तरीके की खबर भी आई थी। कितनी सच्चाई है इसमें, ये रिसर्च हमारे पास नहीं है, हम इस पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक सुझाव जरूर हो सकता है जैसा कि बग्गा साहब अभी बता रहे हैं कि बाहर की गाड़ियां जो आती है उससे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, करीब 2 लाख, जैसा कि आंकड़ा बता रहे हैं, करीब 2 लाख गाड़ियां रोज दिल्ली में बाहर से आती है जो यहां की जरूरत को पूरी करती है। जोशी जी, अनिल जोशी जी, हम आपसे बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि बाहर की गाड़ियों से दिल्ली में ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है? जो क्रॉस करके जा रही है दिल्ली को, जी लगता है अनिल जोशी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हरीश जी के पास मैं जाना चाहूंगी। हरीश जी, जिस तरह से अगर साल 2007 की बात करें तो साल 2007 में दिल्ली की जो पर्यावरण निगरानी संस्था है उसने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी थी, एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, और ये कहा गया था कि इन वाहनों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आज 8 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी कोई निर्णय, जो ठोस निर्णय है, वो सरकार नहीं ले पा रही है। क्या तो यही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को 2007 में जब रिपोर्ट सबमिट की गई थी तो आखिर सरकारी मशीनरी ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और अभी जो बात आप कह रहे थे, बग्गा साहब ने आपको बताया कि बाहर से जो ट्रकें आती है उसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है जी। अगर आप दिल्ली का सर्वे करें तो जितने भी मार्केट हैं वहां जब बिजली चली जाती है तो वो सब जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर से कितना पॉल्यूशन फैलता है, कितना कार्बन फैलता है, अगर आप किसी मार्केट में घुस जाए तो आपको अंदाज पड़ जाए। तो पूरे दिल्ली में बिल्कुल बिल्कुल, हरीश जी देखिए ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए तो इस पर जब तक सख्ती से रोक नहीं होगी तब तक तो ये ऐसा होता ही रहेगा। हरीश जी देखिए गंभीरता को समझिए इस प्रदूषण के इस मामले को। एक तरफ कहा जा रहा है कि 2 लाख गाड़ियां रोज दिल्ली में आ रही हैं उससे फैला हुआ पॉल्यूशन, और एक तो दिल्ली में बिजली की स्थिति कमोबेश है, उत्तर प्रदेश और मुकेश जी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि गौरव बंसल जो कि एनजीटी के अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में। धन्यवाद जी। गौरव जी, जिस तरीके से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर रोक लगाने की बात कही गई, क्या लगता है कि दिल्ली के बाहर का भी नंबर आएगा? दिल्ली के बाहर जो दूसरे शहर हैं उनका भी जल्दी नंबर आने वाला है? देखिए हालांकि अभी तक पूरी कार्रवाई कोई नहीं हो पाई है।
देखिए कार्रवाई की बात यह है कि कोर्ट बस ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, कोर्ट सुन सकता है सारे पक्षों को और ऑर्डर दे सकता है और डायरेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, सरकार को, कि वो उस पे काम करें, उसको अमल में लाएं। तो जहां पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 10 साल के डीजल व्हीकल्स और 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल्स के लिए अब रोक लगा दी गई है। अब सरकार के सामने ये जो दिक्कत अब सरकार महसूस कर रही है, सरकार को एकदम ये लगने लगा कि अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सरकार कागजों पे बहुत ज्यादा कहती है मगर प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आती हैं, या फिर ये कह लिए प्रैक्टिकली विल पावर नहीं हो पाती सरकार की। ये एयर पॉल्यूशन आज का मुद्दा नहीं है, ये पिछले 10 साल से ये मुद्दा चला आ रहा है और आज जब सरकार की नाकामी के बाद ये सब मालूम पड़ा कि एनजीटी को लगा कि सरकार की नाकामी है, तब तो उस एनजीटी ने जाके निर्णय दिया है, तो अब उसे भी ये टालना चाह रहे हैं, 6 महीने का और समय मांग रहे हैं एनजीटी से। लेकिन पहली बार सरकार को भी नुकसान होगा इससे। देखिए सरकार को नुकसान बहुत अलग बात है, यहाँ पे सबसे पहले आम आदमी को नुकसान है। आप समझिए इस बात को कि जो पॉल्यूशन निकलता है डीजल व्हीकल से वो अपने आप में एक खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करता है और उससे आम आदमी को जितनी आज के टाइम पे हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेज इतनी बढ़ गई हैं, सांस की बीमारी दिल्ली में इतनी बढ़ गई, एक सर्वे हुआ था तो ये था कि आधे से ज्यादा लोगों को सांस की बीमारियां आ रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? राजधानी भी कहते हैं दिल्ली को, डेफिनेटली आप देखिए ना, ये सब चीजें जुड़ रही हैं। तो अब ये निर्णय लिया गया था और इसे कायदा ये बनता है किसी भी जब सारे पक्षों को सुनकर निर्णय लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये इसको चैलेंज करा गया। आप एक बार और ध्यान रखिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश चैलेंज हुआ था अभी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि कोई एनजीटी अगर अच्छा काम करना चाह रही है और कोई ट्रिब्यूनल अच्छा काम कर रही है तो उसको बाधा उत्पन्न नहीं करी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा तो सरकार फिर से एनजीटी की शरण में आया और अब ये गुहार लगाई जा रही है एनजीटी में कि इसे कम से कम 6 महीने का टाइम दे। गौरव जी एक चीज बताइए, फिर से एनजीटी की शरण में सरकार आई है, लेकिन आपको क्या लगता है थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचे अगर तो इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? ये जो 125 करोड़ की आबादी है और करीब दिल्ली में ही करीब 90 लाख से ज्यादा वाहन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका 90 लाख से ज्यादा ऐसे वाहन है, तो ऐसे में एक दिन में अगर आप स्लैश कर दें इसको तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या ट्रिब्यूनल थोड़ा नरम रुख अपना सकती है? इसमें आपको मैं ये कहूंगा, आपको डेफिनेटली ट्रिब्यूनल अभी तक आप देखिए, अभी तक ट्रिब्यूनल ने कहा भी, कल भी जब ये पेटिशन मूव कराया गया था कोर्ट ने कहा इस बात को कि आज के टाइम पे आप अपनी बातें रखिए, उचित समय पे उचित निर्णय लिया जाएगा। तो ये सबसे याद है कि कोर्ट हमेशा दोनों पक्षों की बात सुनती है और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक पिलर है, ठीक है, तो इसको ये बात आपको मानना, मतलब हम तो ये अपने आप में मानते हैं कि ये बहुत अच्छा ऑर्डर है। अब बात आती है कि यहाँ पर एक कंज्यूमर का प्रोस्पेक्ट आ जाता है कि 10 साल पुराने जो व्हीकल ओनर है उनका क्या होगा या उन्हें उनके ऊपर क्या बोझ पड़ेगा। देखिए इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि हमें क्या प्रिय है, हमें एनवायरमेंट प्रिय है, हमें ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो सस्टेनेबल हो, या ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो बस डेवलपमेंट हो वो सस्टेन ना कर पाए। तो हमें इस बात पे कि ये हम आम जनता को ही सोचना पड़ेगा और कई जनता से जब पूछा गया इसके बारे में, आप ही के चैनल के माध्यम से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं इसका ऑर्डर का स्वागत कर रहे हैं। 10 साल में एक गाड़ी बहुत चल जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, हमारे साथ कुछ दर्शक भी अभी जुड़ गए, हम दर्शक की बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पे। निश्चित तौर पे जो ट्रिब्यूनल का जो ये जो निर्देश है इसका स्वागत किया जा रहा है, जनता की ओर से भी इसके पक्ष में जो है बातें आ रही हैं, अपने दर्शकों से भी बात करेंगे और हम अपील भी करेंगे कि हमारे टीवी स्क्रीन पे लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस नंबर पे आप लगातार हमसे फोन करके जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं और इसके अलावा जो ईमेल आईडी है उस अपने ईमेल के जरिए भी अपने संदेश हम तक आप पहुंचा सकते हैं। जी मुकेश, एक फोन हमारे दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइए क्या कुछ कहना है आपका। हेलो जी, मैं स्मिता मार,
बरेली से बोल रही हूँ, और ये जो फैसला हुआ है 15 साल गाड़ियों का बंद करवाने का, ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि आगे जो ये प्रदूषण होता है 15 साल की गाड़ियों से ये कम हो जाएगा, क्योंकि आगे भी इतनी तरक्की हो रही है, टेक्निकल चीजें जो प्रदूषण को रोका जा रहा है वो ज्यादा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से ये फैसला ज्यादा अच्छा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने, हमारे जो दर्शक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत अच्छा हुआ, वो इस चीज को अच्छा मानते हैं कि जो है बंद कर दी गई गाड़ियां, बंद कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ गौरव जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, प्रेम बग्गा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। प्रेम बग्गा जी गौरव जी से, गौरव जी आपसे प्रेम बग्गा जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी। हाँ जी मैम बोलिए। जी गौरव जी आपसे प्रेम बग्गा जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी बग्गा जी पूछिए। देखिए ज्यादा जरूरी क्या है, पोल्यूशन कम करना या गाड़ियां बंद करना? अगर गाड़ियां बिल्कुल बंद कर देते हैं तो नहीं चलेगा। पोल्यूशन कम करने का एक तरीका है, जो हम ऑटोमोबाइल ऑथोराइज ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, हम डीलर फॉर टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये सजेशन मेरी ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जितने ऑथोराइज डीलर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री नॉट ओनली दिल्ली, उनको जिनके पास इक्विपमेंट हो, देखिए अभी PUC ऑलरेडी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट सबके लिए जरूरी है जी, उसके साथ साथ अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डीलर्स को दे दी जाए कि आप इक्विपमेंट लगाइए और वो इक्विपमेंट लगा के आप उनकी फिटनेस चेक करिए और PUC चेक करके उनको प्रॉपर्ली सेट करके भेजिए तो पोल्यूशन कम हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गौरव जी इस बारे में क्या कहेंगे? सर ये कानून आज का नहीं है, आप देखिए इस बात को समझिए, ये कानून पहले से है, PUC का कानून आज का नहीं है, PUC का कानून बहुत पहले से है और उसके बावजूद भी चीजें सामने नहीं आ पा रही थी, इसीलिए NGT ने ऑर्डर करा है। और एक बात और मैं आपको बात करूं, देखिए आप हमेशा कमर्शियल एंगल मत पकड़िए इसमें, मैं आपको, आपने अभी एक बात कही कि गाड़ी जरूरी है एनवायरमेंट जरूरी, देखिए तो, बिल्कुल सही बात है। एक वन मोर पॉइंट, आई ऑल्सो नो इस जनरेशन में डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है उसका पोल्यूशन का, नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा होगा अगर ये पोल्यूशन कंट्रोल नहीं किया गया। आई ऑल्सो नो माई चिल्ड्रन माई ग्रैंड चिल्ड्रन और आने वाली जो जितनी है वो सबको परेशानी होगी, तो बेटर है पोल्यूशन कम हो, दैट इज अ बेटर वे टू फाइंड आउट एंड रिड्यूस, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज हैपनिंग, आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू दैट एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल इज डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स वेरी गुड स्टफ, बट वी मस्ट फाइंड द वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बग्गा जी कह रहे हैं और जितने भी हमारे ख्याल से जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को भी इस बात पर एतराज नहीं है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, या जो ट्रिब्यूनल ने जो ये अपने निर्देश दिए हैं उस निर्देश के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन एक बीच का रास्ता जरूर चाहिए, उसी पे ये चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को और 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियों को फेज आउट सीधे बंद कर देना चाहिए, तो बंद करने पे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन बंद करने का तरीका क्या हो उस पर यह विचार हो रहा कि फेज आउट के लिए एक समय मिलना चाहिए और फेज आउट धीरे धीरे होना चाहिए, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे काफी लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और काफी रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। और एक चीज और भी है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, उन लोगों ने साफ साफ तौर पे कहा कि ये एक दिन में यदि आप बंद कर देते हैं तो इससे महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो बाहर से आने वाले, जैसा कि बग्गा जी कह रहे थे कि बाहर से जो व्हीकल्स आ रही हैं, डीजल व्हीकल्स हमारे पास आ रही हैं, वो दूध लेकर के आ रही है हमारे पास, वो सब्जियां लेकर के हमारे पास आ रही है, जो हमारी जरूरत के सामान है उनको लेकर के आ रही है, अगर उनको आप एक दिन में बंद करते हैं तो उसका असर सीधे तौर पे जो है हमारे जनजीवन में पड़ेगा, महंगाई पे पड़ेगा। जी जाहिर सी बात है, कई परिवारों की आजीविका का साधन भी पुराने वाहन है, तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति भी उनकी कहीं ना कहीं कमजोर होगी। मुकेश अभी आपको रोकना चाहूंगी और इस वक्त मैं लोगों को दिखाना चाहूंगी कि आखिरकार दिल्ली में कुल कितने वाहन हैं और कितने ऐसे हैं जो काफी पुराने हो चुके हैं और किस तरह से जो है उन्हें वो सड़क पर दौड़ रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली को बेहद ज्यादा फायदा नहीं है, दिल्ली में कुल वाहनों की संख्या करीब 90 लाख है और जिनमें से 15 साल पुराने करीब 29 लाख वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह आदेश कार इंडस्ट्री के पक्ष में है और दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कारें बेहद ही कम है।
अब ये कारें दिल्ली से निकलकर दूसरे शहरों की तरफ होंगी तो जाहिर सी बात है कि दूसरे शहर इसकी जद में आएंगे, प्रदूषण की जद में आएंगे। और आइए आपको अब दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है राजधानी दिल्ली के अंदर, जिसके चलते ये ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये फैसला लिया। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में अब वाहन नहीं चलेंगे और साथ ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों की हम बात कर रहे हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये फैसला है कि जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, सुधरेगी हवा की सेहत। जी हाँ, जो दिल्ली की जो हवा है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित होती जा रही है, हवा में प्रदूषण सबसे ज्यादा है, तो उसे सेहत सुधारने का ये एक रास्ता है। वहीं लोगों को, सबसे ज्यादा बच्चों को बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है इस प्रदूषण के चलते। साथ ही डीजल दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण माना जा रहा है, जिसके चलते एनजीटी ने कदम उठाया है। डीजल के इस्तेमाल से फेफड़ों और दिमाग को भी नुकसान पहुंच सकता है, यहां तक कि भयंकर बीमारी कैंसर भी हो सकती है। ब्राजील, चीन, डेनमार्क जैसे कई देशों ने या तो डीजल के वाहनों को बंद कर दिया है या बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और तो और वहां इन पर भारी टैक्स भी लगाया जाता है। साथ ही दिल्ली की हवा में धूल कण बढ़ने से भी प्रदूषण बढ़ा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की बात करें तो वो नियम बनाने की बात कह रहा है, साथ ही हवा में धूल कण कम करने के लिए क्या हो उपाय इन पर भी चर्चा की जा रही है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों से भी बातचीत की जा रही है और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि नियम बनाकर मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले जाएं और लोगों से पर्यावरण मंत्रालय सुझाव मांगने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शुरू कर चुका है और इसे 2 महीने के भीतर लागू भी किया जा सकता है। तो देखा आपने ग्राफिक्स के जरिए, हमने आपको बताया कि किस तरह से दिल्ली की हवा जो है वो प्रदूषित हो रही है। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम में, बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। मैं रंजीत कुमार नालंदा से बोल रहा हूँ। ये पुरानी गाड़ी जो चलती है रुपया जो सरकार ने फैसला लिया है, बहुत उचित कदम सरकार का है ये। और ये पुरानी गाड़ी से बहुत प्रदूषण फैलती है और पर्यावरण पर बहुत प्रदूषित करती है, ये बहुत सरकार का उचित फैसला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे एक दर्शक, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इन गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि प्रदूषण बेहद ज्यादा जो है हो रहा है दिल्ली में। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सीधे हरीश जी के पास में जाना चाहूंगी। हरीश जी, आपने सुना होगा कि किस तरह से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनका अभी तक यही कहना है कि इन गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? आम जनता भी कहीं ना कहीं ये चाहती है, हालांकि इस पर एक साथ रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ बिल्कुल, व्यवहारिक उसका समय बद्ध ढंग से उसको बंद किया जाना चाहिए ताकि उसका एकदम से कोई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर लोगों के आवागमन पर असर न पड़े और हैबक उससे न क्रिएट हो, लेकिन निश्चित रूप से। जी हरीश जी आपको रोकना चाहूंगी। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नाम सत्यार्थी है और मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मुझे तो यही कहना है एनजीटी के मुद्दे पर कि ये जो है सरासर गलत है। गाड़ियों से और बहुत सारी चीजों से जो है हमारी संवेदना लगातार जुड़ जाती है और अगर आप 10 या 20 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलने देंगे तो जो चीजों से हमारा संबंध है या फिर जिसपे हमने अपना मतलब एक तरह से हम कुछ अपना जो भी चीजें लगा रखी है तो गलत है, क्योंकि तो अगर आप ओल्ड गाड़ियों को नहीं चलने देंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी ना। या तो सरकार उसके एवज में कुछ मतलब कैपिटल वगैरह दे, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुना आप लोगों ने कि किस तरह से अगर दो लोग पक्ष में हैं तो एक इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। हरीश जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने कहा कि समयबद्ध ढंग से इसको कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण संतुलन को कायम करना है, पर्यावरण को समृद्ध करना है, तो अब कुछ लोग तो नाराज होंगे ही, लेकिन ये
पूरे समाज के पूरे देश के हक में है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए और जी, जी, ये पर्यावरण संतुलन बरकरार हो, पर्यावरण संतुलन कायम हो और उसके लिए इसको स्वयं बद्रंग से लागू किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और इस बीच में एक सवाल प्रेम बग्गा जी से लेना चाहती हूँ। प्रेम बग्गा जी, आपने सुना हमारे जो ये कॉलर थे सत्यार्थी जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि जो चीजें हम खरीदते हैं एक एक पैसा जुटा करके हम चीजें खरीदते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भावनाएं जुड़ जाती हैं, संबंध बेहद गहरा हो जाता है। ऐसे में क्या मतलब हो क्या सकता है कि अगर गाड़ियां बंद हो जाती तो जाहिर सी बात है जो बड़ी ही शिद्दत के साथ खरीदी हुई चीज है वो हमसे कहने के लिए चली जाती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ आदमी अपनी जिंदगी में एक ही गाड़ी खरीदता है, दूसरी गाड़ी हो सकता है वो नहीं खरीद पाए, अगर 10 साल के बाद वो गाड़ी उनको फेज आउट करके उनको छोड़ देना पड़े, अगर 15 साल के बाद छोड़ देना पड़े तो फिर वैसी स्थिति वो लोग क्या करें, थोड़ा इमोशनल मामला भी बनता है यहाँ पे। ये मानते पर एक बात समझिए, देयर चेंज इज नेचुरल। 15 साल पुरानी अगर आप गाड़ी काटते हैं उसको छोड़िए मत, उसको काट दीजिए और लेट इट कम विद न्यू वन। पिछला जाएगा तो नया आएगा तो वो अच्छा आएगा। और टेक्नोलॉजी बहुत आगे इम्प्रूव्ड है, इवन फॉर मैन ह्यूमन एंड इवन फॉर दी कार्स एंड टेक्नोलॉजी। आई फुली एग्री सर, सही लोगों को बुरा तो लगेगा इमोशनली। नहीं, टेक्नोलॉजी तो है बग्गा साहब, ये तो है टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी महंगी है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती। आप देखिए 20 लाख से ज्यादा जो महंगी गाड़ियां हैं उन्हीं पर ये टेक्नोलॉजी आप जो है वो लगा सकते हैं, वही लोग इसको एफोर्ड कर सकते हैं। अगर 20 लाख से नीचे के सेगमेंट की गाड़ियों को अगर बात करें आप, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पूरे। और ये ज्यादा जो पॉल्यूशन का मामला जो आ रहा है और डीजल गाड़ियों से जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये वही गाड़ियां हैं जो 20 लाख से कम के सेगमेंट में आ रही हैं और डीजल की गाड़ियां हैं उनसे ये ज्यादा जो है पॉल्यूशन हो रहा है। अगर आप मर्सिडीज और ऑडी और बीएमडब्ल्यू की बात करें तो उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा उतना। जो शिकायतें जो आ रही हैं, जो पर्यावरण पॉल्यूशन का जो लेवल बढ़ रहा है हमारा, और हम वर्ल्ड के 20 वर्स्ट पॉल्यूटेड सिटी में 12 सिटी जो है वो भारत के हैं। आपको बताऊं दिल्ली नंबर वन पे है, पटना दूसरे नंबर पे है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम बग्गा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही अनिल जोशी जी आपका भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो वंदे मातरम में बने रहिए, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं हम पब्लिक पंच के साथ। नमस्कार। राहुल गांधी जब भी कपड़े धोता बारिश हो जाती। एक दिन धूप निकली, राहुल ने भगवान का शुक्रिया किया और दुकान से सर्फ लेने चला गया। तभी अचानक से जोर जोर से बादल गरजने लगे। राहुल फटाफट आसमान की तरफ मुंह करके बोला, किधर, मैं तो बिस्कुट लेने आया हूँ। राहुल गांधी, आप खेत में क्या क्या बनाते हो? किसान, गेहूं, चावल और बाजरा। राहुल गांधी, तो किसान जैम कौन बनाता है? किसान, भाई तू तो छुट्टी पर ही अच्छा था। माँ अपने बेटे से, मोदी की तरह पीएम बनना है ना? बेटा, हाँ। माँ, फिर राहुल की तरह से हरकतें क्यों की? अब मनमोहन की तरह चुप क्यों खड़ा है? बोल, नहीं तो केजरीवाल की तरह थप्पड़ खाएगा। राहुल गांधी ने स्टेज से कहा, मुझे मौका दीजिए, मैं 5 साल में भारत की स्थिति बदल दूंगा। भीड़ में से एक बेवड़ा बोला, अबे तू और तेरा परिवार 5 साल के लिए राजनीति छोड़ दे, भारत खुद ही तरक्की कर लेगा। रूप
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।